जशपुर जिले के पत्थलगांव विकास खंड के ग्राम पंचायत झिमकी में गरीबों को मिलने वाले सस्ता और निशुल्क अनाज में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था, जहां गरीब महिला जब सरकारी राशन दुकान में गई थी, जहां सेल्समैन द्वारा महिला से 500 रुपए मांगे गए, पैसे ना देने की वजह से महिला फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा में कहने लगी कि चाउर निदेहन 500 रुपया दिहाता चाउर मिल ही कहत है, हमन गरीब आदमी कहाँ ले 500 देवो। जिसका वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने गंभीरता पूर्वक जांच कर उक्त सरकारी राशन दुकान को निलंबित कर दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया है। आज ग्राम पंचायत झिमकी के शासकीय उचित मूल्य दुकान के शिकायत के संदर्भ में जांच की गई, जिसमें वितरण में या संचालन में इनके द्वारा अनियमितता बरती गई है और जो नियमानुसार फिंगर लगा के स्कैन करके देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है और स्टाक रजिस्टर भी इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि चावल कम आ रहा है बिल्कुल, लेकिन ये चावल फिंगर लगाने के बाद यदि ये पूर्ण रूप से फिंगर सभी का नहीं लगाएंगे तो वितरण उनका दिखाएगा नहीं और आगे अगले महीने कट के आएगा। और कुछ एक हितग्राही के द्वारा ये शिकायत लता चौहान के द्वारा शिकायत किया गया कि उनका बयान दिया गया है कि उनके द्वारा उनके सरपंच लड़के के द्वारा 500 रुपये की मांग की गई, कई बार चावल दिए गए।